अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं टाक में मौजूद हूँ और काफ़ी अरसे बाद पाक मसूद में टाक से कराची के लिए सफ़र करने लगा हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने पाक मसूद में कराची से डेर इस्माइल ख़ान का सफ़र किया था और उस सफ़र की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आज मैंने सोचा कि एक बार फिर पाक मसूद में सफ़र करता हूँ ताकि उन दोस्तों के लिए जो कि पाक मसूद के चाहने वाले एक वीडियो बन जाए। गाड़ी का डिपार्चर टाइम टांक से 1:30 बजे था। गाड़ी 1:36 पर टांक से कराची के लिए रवाना हो गए। यहाँ से ये टांक बाईपास डेर इस्माइल ख़ान के पास जाएगी, वहाँ से कुरेशी मोड़, फिर बरास्ता तोंसा रमक डेरा गाजी खान कराची जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। Chalo, chalo, chalo. 200 chalo. Se tu pura masa.
Il rosso è pagato, dice, passino c'è. Poi sarà per non riparare, ci Thank you.
दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि अल फैसल एक्सप्रेस और हसन कोच डेर इस्माइल खान के पास से हमारे साथ थे। फिर डेर इस्माइल खान से रमक के दरमियान में हसन कोच पीछे हो गई थी। इसके पीछे होने की वीडियो मैं नहीं बना सका था। जब मेरी वीडियो स्टार्ट हुई तो वो गाड़ी पीछे हो चुकी थी, नज़र नहीं आई थी। फिर उसके बाद वो दोबारा एक बार आगे आई और फिर उसके बाद हम क्रॉस कर गए, वो रुकी हुई थी। अल फैसल एक्सप्रेस वाला ये काफ़ी देर से हमारे साथ है और अभी लगता है कि इसके ओवरटेक होने का वक्त आ गया है। तो ये वीडियो भी तकरीबन 20 मिनट की हो चुकी है, इसलिए इसको हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि टांग से कराची का किराया आज कल जबकि डीजल की प्राइस 280 के अराउंड है, 3500 रुपये चल रहा है। कभी ये किराया बढ़ भी जाता है जब सवारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, प्राइस ज़्यादा होता है तो तकरीबन 3700-4000 के अराउंड ले लेते हैं। वैसे नॉर्मल किराया 3500 रुपये है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।